ऐसा एक पवित्र ग्रंथ में संदेश आता है कि सारे लोगों ने मिलकर एकता बनाई और स्वर्ग तक जाने के लिए उन्होंने मीनार बनानी शुरू कर दी। तो मीनार जैसे बनाई जा रही थी तो मीनार बनाते बनाते आधे आसमान तक पहुंच गए। और ऐसा माना जाता है, कुछ मत पंथ में मानते हैं कि जो खुदा है, जो भगवान है, वो चौथे आसमान पर है। कुछ कहते हैं सातवें आसमान पर है। अब वो कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, क्योंकि आपके सैटेलाइट जा रही हैं तो सातवें आसमान से भी पार जा रही हैं। तो वो तो वहां से होकर जा सकते हैं। और अभी तो मनुष्य के जो यान है वो मंगल से लेकर के चंद्र, शुक्र, बृहस्पति, यहां से और आगे तक जाएंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में स्पेस के अंदर ही ऐसे घर बन जाएं कि बस्तियां बसा ले आदमी वहां, जैसे समुद्र में आदमी बसने लग गए हैं। तो आगे चल करके ऐसी सब संभावनाएं होंगी। फिर आप ये नहीं कहेंगे कहां से आ रहे हो, यहां से चल के लोग जलंधर से हैं, जलंधरों आए जी, तो फिर आप क्या कहेंगे, चंद्रमा से आ रहे हैं, मंगल से आए हैं। यहां तो अभी किसी को कह दिया जाए ना कि लड़की जो है मंगली है, लड़का मंगली है, तो शादी करने में बड़ी समस्या हो जाती, मंगली ढूंढना पड़ता है। और समस्या यह है कि मंगली होने में दिक्कत नहीं, दंगली नहीं होनी चाहिए, लेकिन दंगल भी शुरू होता ही जरूर है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो कहते ना सातवें आसमान पर है या चौथे आसमान पर है, तो लोगों की कल्पना होती है। वैसे ये जरा समझ लेना कि आपके अंदर जो चक्र हैं आपके, वो जो आपका सातवां चक्र है, तो समझ लेना कि वही सचखंड है, वही ब्रह्म का स्थान है, वही है स्वर्ग लोक, जहां आपको अपने चैतन्य को पहुंचाना होता है। तो इसी को भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महलोक, ये सारे लोक इसी में है। भू भू स्व मह जन तप, आखिरी वाला सत्यम, सत्य लोक है। इस तरह से आप यात्रा करते हुए ऊपर जाते हैं। तो मीनार बनाई जा रही थी, आधे तक पहुंच गए, सबके दिमाग में ये था कि स्वर्ग तक पहुंचना है। लेकिन जैसे ही मीनार बनाते बनाते वहां तक पहुंच रहे थे, तो जो लायक थे वो तो पहुंच ही रहे थे, जो नालायक थे वो भी पहुंच रहे थे। भगवान ने देखा कि ये इंसान जो है यहां तो योग्य ही पहुंच सकता है, क्योंकि किसी की योग्यता चपरासी जितनी है उसे चपरासी वाले ही काम मिलेगा ना। किसी ने अपनी योग्यता इतनी बढ़ा ली कि वो चपरासी होकर भी हो सकता है कि बड़ा ऑफिसर बन सके। ऐसे भी लोग होते हैं जो यात्रा करते करते अपनी योग्यता बढ़ाते जाते हैं। शरीर का आकार नहीं बदलता, बदलता मन है। मन के अंदर योग्यता आ जाए तो व्यक्ति नीचे से चलता वो ऊपर तक पहुंच जाता है। और अगर आपने अपने अंदर नहीं चेंज लाए तो फिर ये ध्यान रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भगवान ने समझा कि योग्य लोग ही यहां तक पहुंचने चाहिए और परीक्षा भी लेनी चाहिए कि मुझ तक पहुंचने वाला तो वही हो सकता है जिसमें भेद बुद्धि ना हो। जिसमें भेद बुद्धि हो गई तो वो नहीं पहुंच सकता। तो भगवान ने लोगों की भाषा बदल दी। तो एक पवित्र ग्रंथ की ये कहानी है जो मैं आपको सुनाने लगा हूं, जिसमें यह कहा गया कि मीनार बना दी गई और मीनार जैसे आधे तक बन गई, आधे आसमान तक पहुंच गए लोग, काम चलता जा रहा है, मीनार बनती जा रही है, लोगों ने कहा अब स्वर्ग दूर नहीं है, तो भगवान ने भाषा बदल दी। भाषा बदलते ही समस्या हो गई। ऊपर वाले ने कहा सीमेंट भेजना, उसने सोचा ईंट मांग रहा है, उसने ईंट भेज दी। उसने कहा पानी भेजना, इसने कोई और चीज भेज दी। उसके बाद उसने ऊपर से कहा सुनाई नहीं देता, उसने सोचा गाली दे रहा है। भाषा के नाम पे झगड़े बहुत होते हैं ना। और कहते हैं कि वो मीनार बनाते बनाते फिर उसके बाद समस्या खड़ी हो गई कि जिन लोगों ने तरक्की कर रहे थे तरक्की रुक गई, ऊपर जा रहे थे ऊपर जाना रुक गया, फिर तो एक दूसरे से निपटने में लग गए।
कि तुमने ऐसा बोला ना, अब देखो मैं क्या करता हूं। एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। और कहते जिन्होंने बनाए थे मीनार, उन्होंने तोड़ करके उसे नीचे गिरा दिया, और जो ऊपर जाने लग रहे थे वो नीचे रह गए। कहते हैं तब से लेकर आज तक इंसान लड़ता जा रहा है, झगड़ता जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर भेद बुद्धि आ गई। भेद बुद्धि आपको आगे नहीं जाने देती। इसीलिए कहा एकत्व अनुपश्यत। जब तुम एकत्व को देखना शुरू कर देते हैं, तब तुम अपने प्रभु का ही अनुभव करने लग जाते हैं। इसलिए जो ये कहा यो विष्णु स वही रुद्रो, यो रुद्र स पितामह, एक मूर्तिस्त्रयो देवा, रुद्र विष्णु पितामह, एक ही मूर्ति में तीनों स्वरूप हैं। तो जब आप जिस भी रूप को पूज रहे हैं, जिस भी स्वरूप को आप पुकार रहे हैं, जिस भी नाम को आप जप रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप संपूर्णता को ही पूज रहे हैं, तीनों देव उसी में हैं। तो इसलिए ये बड़ी अजीब बात रखी गई, सारे जितने भी गुंबद हैं और जितने भी हमारे, चाहे शिवलिंग हो या शालिग्राम हो, वो अनगढ़ रूप है। शालिग्राम को भी पहचानना आसान बात नहीं है। शालिग्राम की बड़ी अपनी मर्यादाएं हैं कि हर कोई नहीं रख सकता, जो रखेगा उसे वो मर्यादा पालन करनी होगी, क्योंकि लाखों वर्षों के बाद किसी एक पत्थर के अंदर वो शक्ति जागृत होती है, जिस शक्ति के द्वारा आप परम शक्ति को पूजने की स्थिति में आते हैं। उसकी बड़ी मर्यादा है, उसमें बड़ी पवित्रता का ध्यान रखना होता है, लेकिन वो अनगढ़ रूप है। इसलिए बालीद्वीप में आप जब जाएं तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, वहां मूर्तियां दिखाई देंगी चौराहे पर, इतनी जबरदस्त मूर्तियां हैं। आप वहां देखें राम जी, इतना सुंदर स्वरूप उनका, उन्होंने धनुष ताना हुआ है और सामने जो हिरण दिखाया उन्होंने, ऐसा अद्भुत। वहां तो आप सारा दिन फोटो खींचते रहोगे। वो देव भीमा, देव अर्जुना, सीता माता को वो लोग देवी सीता बोलते हैं, हनुमान को अनुमान बोलते हैं। एक दिन उनका ऐसा होता है जिस दिन उनके यहां मौन होता है, पूरा अंधेरा कर दिया जाएगा, हवाई अड्डे की बत्तियां बंद कर दी जाएंगी। वो कहते हैं इस दिन राम जी यहां से चले गए थे, तो अपने राम की याद में पूरा दिन मौन रहता। अगर किसी ने अपने घर में बत्ती जला दी, पत्थर मार के आएंगे। मौन का समय है। हर दिन सुबह जब निकलेंगे तो यहां कान के ऊपर एक पीला फूल लगाकर निकलते हैं। उनकी एक अलग तरह की मुकुट टाइप का एक कपड़ा होता है। इस बार जब मैं गया तो उन्होंने मुझे भी दिया, तो मैंने वहां पहन के रखा वो, और उन लोगों ने मुझे कहा भी कि आप हिंदू हैं तो ये लगा के रखना, हमारी पहचान है। अब मैंने जितने दिन वहां रहा उतने दिन तक तो मैंने पहना वो, उसके बाद यहाँ आके मैंने भी उतार दिया, पर प्यारा लगता है। उनके मंदिर में आप चले जाइए तो वहां कोई मूर्ति नहीं, अंदर तीन पिंडियां हैं। जैसे आप वैष्णो देवी में जाते हैं ना, तो तीन पिंडी है वहां। अब हमारे साथ इस बार नहीं, बहुत पहली बार जब हम लोग गए थे तो हमारे साथ में बहुत सारे लोग थे, और भारतीय लोगों की तो अपनी एक परंपरा है। वहां जब हम लोग गए तो देखा कि सब लोग पंक्तियों में बैठे हुए हैं, अपना अपना प्रसाद अगरबत्तियां सब लगा करके, ऐसे जैसे आपको ध्यान की अवस्था में बैठाते हैं ना, ऐसे वो लोग बैठे हुए हैं, बहुत प्रेमपूर्ण ढंग से और शांत होकर बैठे हुए, बिल्कुल स्थिर मौन, और सबके चेहरे पर शांति, आंखें इतनी कोमलता से बंद, कोई दबाव तनाव भय किसी भी तरह का नहीं दिखाई दे रहा। हमारे लोग जो चलते चलते उनके बीच में से चलते चलते, पहले तो वहां जाके खड़े हुए, जाओ तीन पिंडियां थी, फिर इधर से जाके देखे, अच्छा यही है, यही है, हाँ हाँ,
फिर उनकी तरफ घूर के देखें और फिर उनका फोटो लें। उनमें से एक भी नहीं उठा उनको मना करने के लिए, भाई ये बदतमीजी जो तुम कर रहे हो अपने देश में जाके करना। अपने लोग जो है उधर से देखा, इधर से जाके फिर बाहर निकल के फिर उनकी तरफ घूर के देख रहे हैं, क्या पूजा कर रहे हैं, कैसे पूजा कर रहे हैं। वहां से हम लोग एक और स्थान पर गए, जब जा रहे थे देखने के लिए तो धान के खेत हैं, बहुत सारे खेतों के अंदर से वो धान की बालियां पूरी सुंदरता के साथ में, इतना हरा भरा मैदान और उसके बीच में छोटी छोटी पगडंडियों के अंदर सजे हुए स्त्री पुरुष सब अपने सिर के ऊपर टोकरियां रखे हुए। टोकरियां भी बहुत अलग तरह की खुद ही बनाते हैं, उसको फूल से सजाया हुआ, उसमें फूल रखे हुए हैं और कुछ गाते हुए बोलते हुए जा रहे हैं वो लोग। मैंने पूछा ये कहाँ जा रहे हैं, कौन है ये, क्या कर रहे हैं, बोले अपने मंदिर में जा रहे हैं, आज इनका कोई विशेष तिथि के लिए जो है। मैंने कहा एक ही परिवार के लोग हैं, बोले नहीं एक परिवार के लोग नहीं हैं, अपने मोहल्ले से निकल करके सब लोग जा करके किसी एक मान्यता वाले स्थान में जाएंगे, वहां जा करके अपने फल फूल चढ़ाएंगे भगवान को। क्यों बता रहा हूं मैं ये सब, क्योंकि आपकी ये परंपराएं थी, आप इस तरह से बैठ करके अपनी साधना करते थे, ऐसे पूजा करते थे। अब हम लोगों ने ऐसा बना लिया कि जाएंगे और पहले से निश्चय कर लेते हैं कि मांगना क्या है और फटाफट कुछ मंत्र बोले और उसके बाद अपनी डिमांड लिस्ट सुनाई और उसके बाद कहते हैं बहुत नाम सुना हुआ इस मंदिर का, पूरा कर देना नहीं तो अगली बार आऊंगा ही नहीं, और अगर पूरा कर दो तो अगली डिमांड लिस्ट कल और तैयार करके लाता हूं, निवेदन फिर करना चाहता हूं आपको। अगर आप अपने ईश्वर की तरफ चलना चाहते हैं तो जो ये कहा ना, बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, पांव से नहीं पहुंच सकते, वहां कोई बस्ती नहीं बसी हुई। बिना देह का पुरुष है कहे कबीर संदेश, ये देह नहीं, वहां आपकी आत्मा का प्रकाश ही पहुंचेगा। तो अपने ध्यान में बैठिए आप, गगनमंडल के बीच में जहां झलके है नूर, निगुरा महल न पहुंचिए, पहुंचेगा कोई शूर। कहते हैं कि वो गगनमंडल ये है आपके अंदर, जैसे गोरखनाथ कहते ना, गगनमंडल में गाय बियाई कागज दही जमाया, छाछ छाछ तो पंडित पी गए सिद्धा माखन खाया। वही अमृत का कुआ यही है, जहां झलके है नूर प्रकाश यहीं से आ रहा है। निगुरा महल न पहुंची है, इस महल में निगुरा नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा कोई शूर, कहीं कोई गुरु वाला पहुंचेगा, जिसने गुरु के द्वारा मंत्र लेने के साथ साथ विधि अपनाई हो। तो अपने मंत्र के साथ 1.25 लाख जाप करके पहले उसे जागृत करो, फिर मंत्र सिद्धि की साधना, मंत्र सिद्धि साधना जरूर सीखनी चाहिए आपको। मंत्र को सिद्ध कर लें तो बात ही अलग हो जाती है, तब आपको हर पल यह अनुभव होता है कि कोई शक्ति मेरे साथ है, कोई शक्ति हर पल मेरे साथ है, मुझे संभालती है, कोई हाथ है जो मेरे कंधे पर आता है, शाबाशी देता है, कोई है जो अंदर से डांट पड़ती है जो मुझे रोकती है कि नहीं गलत किया तुमने, कुछ तो है अंदर जो मुझे प्रायश्चित करने के लिए मजबूर करता है, कुछ तो है अंदर जो मुझे लिहाज करने के लिए बोलता है, इनका लिहाज करना चाहिए, बड़े हैं तुम्हारे, कोई तो चीज है जो रोकती है कि इतना ही बोलना इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि संवाद तक रहे विवाद तक न पहुंच जाए। इसलिए आपको अपना मंत्र जागृत करना चाहिए, मंत्र जागृत हो जाए तो उसके बाद अद्भुत जीवन में घटने लग जाता है। और तब आपको जो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं ना, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से अलग कुछ भी इस दुनिया में नहीं है, मैं इसी तरह से हूं जैसे मणियों के बीच धागे, मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव,
जैसे धागे में सारी मणियां लगी हुई होती हैं, बस मैं इसी तरह से सब चीजों को जोड़े हुए हूं, क्योंकि सबका धागा सबका आधार मैं ही हूं, इसलिए सर्वाधार भी वही है, सर्वेश्वर भी वही है, सच्चिदानंद स्वरूप भी वही है, शुद्ध बुद्ध निरंजन भी वही है, आनंद कंद भी वही है। तो अपने परमेश्वर की ओर जाने के लिए आपको एक तो मंत्र साधना जरूर सीखनी चाहिए, और आपके जो रीढ़ है ये धुरी है ब्रह्मांड की, मतलब आपका जो ये ब्रह्मांड है इसकी धुरी आपकी रीढ़ है, इस रीढ़ पर आपको प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब आप इस पर प्रयोग करेंगे तो प्रकाश की सारी तरंगें जो आपकी मूलाधार से उठती हैं और सहस्रार तक जाती हैं, यहीं से वो तरंगे जाएंगे। ओंकार का प्रयोग जब आप करेंगे तो वो नाभि से लेकर के, क्योंकि ये पांच स्वरूप ओंकार के हैं, इसलिए इसमें मणिपुर से लेकर सहस्रार तक ये पांच रूप अपनाते हुए अपना कल्याण करना चाहिए। और जो इसमें तीन यूनिवर्सल साउंड जो कही जाती हैं, तीन सार्वभौमिक ध्वनियां अकार उकार मकार, इनका प्रयोग ठीक ढंग से आपको करना आ जाए, तो इसलिए पहली ध्वनि का उच्चारण गर्दन नीचे करके करना चाहिए, यहां मुद्रा आपकी यही रहेगी, तो ध्यान को भी आपने सीखना है, सिद्धि को भी सीखना है, और जैसे जैसे सीखते चले जाएंगे निश्चित रूप से कृपा होगी, और ओंकार के उच्चारण को कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः, कामनाओं की पूर्ति कराने वाला, आनंद शांति और सर्व मंगल प्रदान करने वाला ये ओंकार ही है, इसी के माध्यम से आप अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सदचेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना, ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली